नमस्कार, हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मायाबंदर जिले से आए हैं और आज हम आप सबके सामने रोल प्ले प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस रोल प्ले में आपको चारों विषय देखने को मिलेंगे, जैसे कि चार्म्स एंड चैलेंज ऑफ एडोलेसेंस, हेल्थी रिलेशनशिप अमंग एडोलेसेंस, HIV एड्स और कॉज एंड इम्पैक्ट ऑफ ड्रग्स अब्यूज। तो आइए इस रोल प्ले एक्ट का आनंद लीजिए। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। आप लोग यहाँ पहले दिन आए हुए हैं तो अपना अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पंकज है, मेरे पिताजी मोहनपुर गांव के प्रधान हैं। मेरा नाम क्लिफर्ड है, मेरे पिताजी ठेकेदार हैं। मैं करमाटांग गांव से आया हूँ। मेरा नाम उज्जल दास है और मैं चैनपुर गाँव से आया हूँ। मेरे पिताजी स्कूल के टीचर है। मेरा नाम नेहा है और मैं बसंतीपुर गाँव से आई हूँ। मेरे पिताजी सब्जियों की खेती करते हैं। आप लोगों ने अपना अपना परिचय दिया है, इसी से पता चलता है कि आप लोगों के गांव यहां से बहुत दूर है और आप लोग अपने गांव के टॉपर्स हैं, इसलिए आप लोगों ने यहां 9वीं कक्षा में एडमिशन लिया है। बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों, आज 31 मई को एंटी टोबैको डे मनाया जाता है। आज के दिन हम रैली करेंगे और यहाँ के गाँव वालों को जागरूक करेंगे। नाटे मुर्गी आगे आओ। आपने नेहा को नाटी मुर्गी कहकर छेड़ा? नहीं मैम, मैंने उसको कब छेड़ा मैम? चुप से रहो, नेहा से माफी मांगो। सॉरी नेहा। देखिए, आज के समाज में लड़कियां अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती, तो क्या करना चाहिए? हिम्मत करके उन बदमाशों को किसी पुलिस थाने या महिला आयोग के सदस्य को शिकायत करनी चाहिए। आपको तो नेहा की मदद करनी चाहिए, उल्टा आप उसी को छेड़ते हो, आपको शर्म नहीं आती? इसी से चार्म्स एंड चैलेंज ऑफ एडोलेसेंस की शुरुआत होती है। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। उज्जल, क्लिफर्ड, तुम लोग दोनों खाना पका के रखो, मैं बाजार जाकर कुछ सब्जियां लेकर आता हूँ। क्लिफर्ड, तुम रूम को साफ करो, मैं खाना बनाता हूँ। भाई चिकन दुकान देखा था काम है चेहरा। भाई 1 किलो चिकन जल्दी वजन करो। ये दारू दुकान कहाँ जानते हो? आगे है क्या? ठीक है, चिकन काट रहे काम अब भी आता। मैनेजर, 3 बड़ा बोतल अच्छी ब्रांड की दारू देना, साथ में 3 पैकेट व्हाइट पाउडर। अरे यार, वही सूंघने से नशा चढ़ता ना। अरे समझ नहीं आया, ड्रग्स यार। हाँ जल्दी दो। कितना हुआ? 1500। हेलो भाई, चिकन काट रखा कितना हुआ? 250। हेलो क्लिफर्ड, दरवाजा खोलो। उज्जल, ले लो चिकन, इसे अच्छे से फ्राई करके लेके आओ। सब्जियां कहाँ है? तुम मुझसे सवाल मत करो, इसे फ्राई करके लेके आओ। आओ क्लिफर्ड, खाना निकाल के रखो, मैं 5 मिनट चिकन फ्राई करता हूँ। ये लो चिकन। उज्जल, 3 ग्लास और 1 जग पानी भी लेकर आ। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। ये लो 3 ग्लास और 1 जग पानी। ये 3 बड़ा बोतल किसके लिए यार? हम लोग तीनों के लिए यार, तीनों पियेंगे, ऐश करेंगे यार। वाह यार, आज बहुत मजा करेगी यार। थैंक्स यार, थैंक्स। इसी को बोलते हैं सच्ची दोस्ती। मुझे तुम दोनों से उम्मीद नहीं थे, हॉस्टल में सब करते हो, मुझे ये सब पसंद नहीं, मैं सिर्फ खाना चिकन खाऊंगा। क्लिपर है लेकर देख, क्या बढ़िया चीज है, जन्नत याद आ जाएगी। क्या यार ये, लेकर तो देख एक बार। हाँ यार, जन्नत दिखा दे दिया यार। ये लो, तुम भी थोड़ा सा लेकर तो देखो, लेने के बाद क्या नशा आएगा। शुरू में मैंने थोड़ा सा लिया, लेकिन आज मैं इस दारू और पाउडर के मास्टर हूँ। मास्टर कहिए, ड्रग्स तो नहीं? तुम लोग ड्रग्स लेते हो, मुझे ये सब पसंद नहीं। अरे यार, फ्री में दिला रहा हूँ, पैसे तो नहीं मांगे तुमसे। यार इस जमाने में तो ऐश करना चाहिए। ओ, आपके पिताजी स्कूल टीचर है, इसलिए आप पीने से डरते हो। हम दोनों को देखो, इनका पिताजी प्रधान है और मेरा पिताजी ठेकेदार, हम दोनों किसी से नहीं डरते। धन्यवाद, शुक्रिया। यार इस लड़के को क्या बोलूं, हमारे साथ दारू भी नहीं पीता, छेड़ने से भी गुस्सा नहीं आता। अरे यार, इसी को कहते हैं अंग्रेजी में हेल्थी रिलेशनशिप अमंग एडोलेसेंट्स। तुम दोनों जो करना करो, पीना पियो, मना मरो, मैं सोने जा रहा हूँ। ए तुम निकल जा यहाँ से यार, तुम बहुत बकवास कर रहे हो यार। बैठो, वो सब बच्चों दारू पीने से लड़कियों की बहुत याद आती है मुझे। क्या लड़कियां, ये तो बहुत बुरी आदत है। हाँ, लेकिन मैं इस आदत से मजबूर हूँ, मुझे चलना चाहिए।
कहाँ जाओगे इतने रात को? मैं नेहा के घर जा रहा हूँ। जा रहे उसे फोन करके बता दे कि तुम उसके घर जा रहे हो। हॉस्टल और स्कूल में फोन लाना मन है, फिर मैं कैसा कॉल करूंगा? मैं जा रहा हूँ, दरवाजा फिरा के। हाँ भाई, संभाल के जाना। नेहा डार्लिंग, नेहा डार्लिंग। ओफो, अब इतनी रात को कौन आ गया? कौन? मैं क्लिफर्ड, आपका आशिक। क्या बात है, इतनी रात को तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। तुमने शराब पी है? निकल जाओ मेरे घर से। हाँ मैंने शराब पी है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ तुमसे प्यार का इजहार करने के लिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पर मैं किसी शराबी से प्यार नहीं कर सकती। जाओ यहाँ से, चले जाओ। ठीक है मैं जा रहा हूँ। देखो आज तुम मुझसे प्यार नहीं करती, आज रात मैं किसी और लड़की के साथ रातें गुजारूंगा। नेहा नहीं मिला तो क्या हुआ, रेशमा तो मिलेगा ना। नया नया साल है, नया नया माल है, एक लड़की छूटती दूसरा मिलता। अरे लड़का स्मार्ट है तो मिलेगा ही ना। अच्छा हुआ ये दोनों सो गए, मैं भी सो जाता हूँ। चलो चलो जल्दी उठो उठो, इतनी देर सोना ठीक बात नहीं है। मुझे तुम दोनों से कुछ बातें करनी है। मुझे कल रात तुम दोनों की हरकतें अच्छी नहीं लगी। तुम्हारा रात भर शराब पीना और तुम लड़कियों के साथ रातें गुजारना, ये बहुत बुरी आदत है। मुझे ये सब पसंद नहीं। जाए जाए जाए। पांच साल ये दोनों इसी तरह हरकतें करते रहे, अब पांच साल बाद क्या हो गया है? मुझे नशे के बिना एक पल भी अच्छा नहीं लगता, शरीर कांपता है, एक कदम चला भी नहीं जाता। लगता है दारू और ड्रग्स ने मुझे घेर लिया है। अगर मुझे अपनी जिंदगी बचानी है तो डॉक्टर से जांच करानी होगी। उससे पहले थोड़ा सा ले लेता हूँ, थोड़ा सा। डॉक्टर, डॉक्टर, क्या होता जर? बुखार बुखार सा लग रहा है, जोड़ों में भी दर्द होता, भूख भी नहीं लगता, वजन भी कम होता सर। जरूर कुछ गड़बड़ होगा, मुझे डॉक्टर को बस देना चाहिए। डॉक्टर, मैं क्लिफर्ड और पंकज की डॉक्टर हूँ। इन दोनों की जांच करने के बाद क्लिफर्ड को HIV पॉजिटिव एड्स पाया और पंकज को अल्कोहल और ड्रग्स एडिक्ट। जैसे कि आपने इस रोल प्ले में देखा कि मेरे दोनों दोस्तों को लाख समझाने पर भी मेरी बातों का उन्होंने कोई मूल्य नहीं दिया, और नतीजा आप सब जानते हैं, एक को HIV पॉजिटिव एड्स और दूसरे को अल्कोहल और ड्रग्स एडिक्ट। दर्शकों, आज मैं इंजीनियर बन चुका हूँ, पर मेरे दोनों दोस्त इस लायक ही नहीं है कि वे कोई रोजगार अपना सके। इसलिए एक कहावत है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। स्वस्थ व्यक्ति अपनी जिंदगी के हर मकसद में कामयाब रहता है। चाहते हम उन जवानों की तरह, चाहते हम उन जवानों की तरह देश के लिए लड़ेंगे, भले ही हम शहीद हो जाए, भले ही हम शहीद हो जाए, लेकिन एक साथ शिकार ना हो जाए। जय हिंद।